So, hello young chums. I am your English trainer Pooja. Today, I'll welcome you to my class of your English grammar book, that is Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brainroot. It's a product of Amit Publishing House. So, today we will start a new chapter, that is chapter number 21. And the name of the chapter is prepositions. Prepositions. क्या है ये preposition? चलिए इसको read करेंगे हम. क्या है preposition? इसको आज हम समझेंगे क्या होता है. Retract. The preposition is a word or a group of words that links a noun or a pronoun to other words in a sentence. जो link करता है. He is a good boy. Noun और pronoun को या फिर उसके adjective adverb को क्या कर रहे हैं? Noun और pronoun को link कर रहा है. That is a preposition. There is a dog in the garden. कहाँ है? Garden के अंदर है dog. It does not belong to anyone. It entered through the gate. It is sitting beside the swimming pool. So the highlighted words are preposition here. And underlined words are nouns. And the pronouns. जो underlined words हैं यहाँ पे वो क्या हैं? Underlined words are nouns and pronouns. Underlined words यहाँ पे nouns और pronouns हैं. और आपके highlighted word यहाँ पे prepositions हैं. प्रीपोजिशन आर ऑफ थ्री मेन काइंड. तो आपको समझ आया जो जोड़ते हैं हमारे नाउन और प्रोनाउन को. तो उसको हम देयर और गार्डन को जोड़ा, इट और एनीवन को जोड़ दिया, तो वो हमारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एंड थर्ड इज टाइम प्लेस एंड मूवमेंट. देन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या होता है. आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. रीड दीज सेंटेंसेस. लेट्स गो, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक ऑन सैटरडे. लेट्स गो ऑन अ पिकनिक. चलिए पिकनिक पे चलते हैं. कब? सैटरडे. आई हैव टू फिनिश द वर्क बाय टुमोरो. मुझे ये वर्क फिनिश करना है कब तक? कल तक. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? टाइम. तो टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन, बाय, एट. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सच एज डे, टाइम एंड डे. सम अदर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर एट, सिंस, फॉर, बिफोर, अंटिल एंड टिल. यहाँ पे ये भी लग सकते हैं जहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात आएगी. सो फ्रेंड्स, वहाँ हम एट लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, अंटिल और टिल लगाएंगे. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. आ जाते हैं हमारे सेकेंड काइंड पे, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. रीड दीज सेंटेंसेस. द चाइल्ड इज इन द पार्क. कहाँ है? जगह के बारे में बता रहे हैं. वेयर? तो चाइल्ड इज इन द पार्क. वी आर एट द मॉल. हम कहाँ हैं? हम मॉल में हैं. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर यूज टू रेफर द प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज लोकेटेड. कहाँ है? सम अदर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. तो कुछ वेयर, जिसको वेयर का आंसर जो देगा वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. सम अदर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस आर बाय, नियर, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, फ्रंट, आफ्टर, बिफोर. ये सब क्या है? अंडर. ये सब आपके क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. Preposition of movement. Read these sentences. Ritu is traveling to Berlin. We swam across the river. Preposition of movement show movement from one place to another. एक जगह पे जब हम एक अदर दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं preposition of movement. Some other preposition of movements are over, towards, along. So the preposition in at and on can be used both preposition and or at and on can be used both. Preposition of time bhi hai aur preposition of place bhi ho sakta hai. Look at this table to understand their use.
तो यहाँ कुछ टेबल है। चलिए हम सीधा अपने टास्क पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इससे हमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देयर इज अ लॉन्ग क्यू एट द बस स्टॉप। लंबी कतार है बस स्टॉप पे। ही हैजंट वर्क सो ही लॉस्ट हिज जॉब। इट यूजली रेन्स इन द मंथ ऑफ टाइम आ जाएगा जुलाई। द मदर सैट बिसाइड हर चिल्ड्रन। कहाँ बैठी है मदर अपने बच्चे के साथ। द कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। मे आई पे बाय चेक। कैसे कर सकता हूँ चेक के थ्रू कर सकता हूँ। वी सेंट आउट टू फिनिश आर जॉब ऑफ फेंसिंग द हाउस। तो ऐसे ही आपको इसको फिल करना है। देखिए वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, टाइम के बारे में बात हो रही है, मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, अकॉर्डिंगली आप इसको फिल करेंगे। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड से दैट टाइगर राघव इज स्लीपिंग इन हिज रूम। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है कि राघव कहां सो रहा है, अपने रूम में, इन हिज रूम। माय ग्रैंडफादर सैट बाय द फायर एंड टोल्ड मी अ टेल। बाय द फायर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है कि फायर के आगे बैठे हैं। द बर्ड फ्लू टुवर्ड्स द जामुन ट्री। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है फ्रेंड, एक बर्ड उड़ के जा रही है जामुन ट्री पे। दे ऑल रन आफ्टर द बस, दे वर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। कहां भाग रहे हैं, बस के पीछे, मूवमेंट है। द टूरिस्ट रीच द पुष्कर इन द मॉर्निंग। कहां है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, इन कहीं भी यूज हो सकता है, प्लेस के लिए भी, टाइम के लिए भी बताया था आपको। द लिटिल स्टोनी सैट इन द कॉर्नर। कहां बैठा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। और माय मदर वेंट टू ओपन द डोर आफ्टर द बेल रिंग। तो क्या है कि आप मदर भागे जबकि बेल बजी, तो यहां पे आ जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आफ्टर। The children sat under a tree while waiting to the stop the rain. तो अंडर आ जाएगा preposition of place है। आप इनको पढ़िए, दो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं और आपको इनको देखिए कि preposition place है, moment है या फिर time है। The appropriate preposition from the packet to fill in the blanks. So यहाँ पे हमें option दिए गए हैं student। तो हमें इनको क्या करना है कि हमें इनको fill करना है correct option से। They are very proud dash their success of their success आएगा। वो बहुत ही proud है अपनी success पे। My sister is afraid from या फिर of dogs. The dog ran around या फिर across the road. He was placed between two girls. He was standing between among his subordinates and subordinates के साथ. Or health is preferable than wealth. Someone is knocking at the window. She comes of a noble from a noble family. She died of fever. He is ill from fever. So यहाँ पे आ जाएगा आपका, ऐसे ही आपको fill करना है इसको preposition से. So complete the paragraph by using preposition. The chairman is relative of the lizard. It is reptile. It can be found in Africa and. तो ऐसे ही आप इसको पढ़िए, ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ी है, आप इसको रीड करिए, मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज हमने क्लास में सॉल्व करी और देखिए कि इसमें क्या आएगा। चलिए थैंक यू, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्लेस है या फिर मोमेंट है, और इसकी एक्सरसाइज हमने आज फिल करी क्लास में। सो अगर आपको ये वीडियो सब पसंद आया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।